मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। आप हमें इन सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, आज का वीडियो है गूगल के ऐसे 7 टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। आप खुद इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली ट्रिक पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या आ जाती है तो जो हिंदी वाले लोग होते हैं वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इस तरीके से बोलते हैं, और जो इंग्लिश वाले होते हैं वो 1,00,000, 10,000, 10,000, 100,00,000, 10,00,000 इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन जब यही संख्या करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर, 1 अरब से ऊपर निकल जाती है, फिर इसको जब हमें समझ में नहीं आता है तो करना क्या है। मान लीजिए दोस्तों, जैसे ये संख्या है, मैंने ये संख्या यहाँ पुट कर दी है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये आप देख रहे हैं, अब आप इसको समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो आप गूगल से पूछिए। आपको करना क्या है, वह संख्या लिखने के बाद आपको लिख देना है इक्वल्स टू, और यहाँ लिख देना है आपको इंग्लिश। आपने लिख दिया है इक्वल्स टू इंग्लिश और आप यहाँ पर कर देंगे इसको एंटर। देखिए दोस्तों, एंटर करते से यहाँ पर ये नंबर आ गया है 1,387,645,983,245। तो दोस्तों, ये वो नंबर था जो पूरा का पूरा गूगल ने आपको लाके दिखाया। जो भी नंबर है, आप यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे, इक्वल्स टू इंग्लिश लिखेंगे, तो आपके सामने वह नंबर आ जाएगा। देखिए, ये नया नंबर यहाँ आ गया है 1,387,645,985। तो दोस्तों, ये थी पहली ट्रिक, बहुत अच्छी और आसान ट्रिक थी। आप लोग इसको जब भी आप कभी ऐसे मैथमेटिकल्स नंबर पर फंस जाएं तो आप गूगल का यूज करके पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों दिखाते हैं, गूगल आपकी मदद भी करता है। गूगल किस तरीके से मदद करता है, गूगल एक कैलकुलेटर का काम करता है, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक नंबर आपने लिख दिया है, आप इसको यहाँ से इंटू कर देंगे और ये लिख दिया है मैंने 5। देखिए दोस्तों, ये आंसर आ गया है 1,110, ये इसका आंसर है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट आगे जाने के बाद भी जो है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फिर से इंटू करके और यहाँ लिख देते हैं 8, ये देखिए 1,880। तो ये कैलकुलेटर की तरह जो है दोस्तों काम करता है। आप यहाँ पर जो है इसको प्लस करके 45 और लिख दें, ये देखिए 8,925। तो ये इस तरीके से जो है दोस्तों काम करता है। आप जो भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे, उस नंबर को जो है दोस्तों यहाँ पर ये इजीली उसका आंसर, ये देखिए 45/5, यहाँ 9 आंसर आ गया है। तो दोस्तों, ये कैलकुलेटर की तरह भी जो है काम करता है। तो दोस्तों, ये था दूसरा ट्रिक गूगल का, काफी अच्छा ट्रिक है। आप गूगल से डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं एज अ कैलकुलेटर की फॉर्म में। तीसरा है दोस्तों, एक मान लीजिए जैसे कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई गाना सर्च कर रहे हैं, आप गूगल पे कोई गाना सर्च कर रहे हैं, आपको उस गाने की कुछ लाइन जो है, कुछ शब्द याद है लेकिन बीच बीच का आप भूल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये गाना बताता हूँ, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, ये एक पुराने फिल्म का गाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हम। अब मुझे तुम्हें नहीं आता है और मैं तुम्हें वर्ड के लिए यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, हम तुम्हें, इसके बाद मुझे इतना पता है, मैं तुम्हें भूल गया हूँ, फिर मैं इंटू करूँगा और मैं यहाँ पर जो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, प्यार को भी भूल के मैं लिख रहा हूँ यहाँ करेंगे। अब दोस्तों, मैंने इस गाने में देखिए 2 जो है अक्षर वो मैंने मिस कर दिए थे। पहला था हम तुम्हें इतना, दूसरा है प्यार करेंगे। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा दोस्तों, तो ये देखिए आपको ये जो जो गाना है, ये मेन गाना यहाँ आ गया है 20 साल बाद मूवी का, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी लाइन जो है आपको याद है, आप कुछ भूल जाते हैं, आप कहीं मिस कर देते हैं, तो आप बीच में जो भी भूल रहे हैं वहाँ स्टार लगा दें। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, गूगल को आप ये बता रहे हैं कि हम इतना करेंगे, ये शब्द तो होने ही होने चाहिए। इसके बाद ये स्टार लगाने का मतलब हो गया कि भैया ये बीच के शब्द गूगल आप खुद ढूंढ कर लाइए हमारे लिए, लेकिन हमें क्या याद है, हमें याद है ये 3 शब्द। तो देखिए, मैंने 3 शब्द देखे, ढूंढे, यहाँ लिखे और उसने ये पूरा गाना लिख दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी ट्रिक।
जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी जुड़ी हुई। अब मान लीजिए दोस्तों आपको कोई ऐसी इमेजेस चाहिए जो कि आपको यूज करनी है, या आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, कोई फोटो बना रहे हो, कोई थंबनेल बना रहे हो, आप चाहते हैं कोई उस पर कॉपीराइट क्लेम ना लगाए, कोई उसको जो है ये ना कह सके कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा ब्रांड है और आपने इसका यूज कर लिया। तो इससे बचने के लिए दोस्तों मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर जैसे कंप्यूटर की इमेज लेनी है, तो हमने यहाँ एंटर कर दिया कंप्यूटर। यहाँ एंटर करने के बाद जब दोस्तों यहाँ इमेज का ऑप्शन आता है, तो आपने यहाँ कर दिया इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट। अब इमेज के ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद भी दोस्तों जो फोटोज आपको दिख रही हैं, ये फोटोज का आप यूज नहीं कर सकते हैं एज अ कमर्शियल पर्पस। आप कहीं भी इन फोटोज को नहीं लगा सकते क्योंकि ये किसी ना किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई फोटो है। आपको करना क्या है, आपको जाना है दोस्तों ये टूल्स पर, ये सेटिंग्स के पास में आपको टूल्स ऑप्शन दिख रहा होगा, इस टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये देखिए एक नया विंडो ऑप्शन ओपन हुए और यहाँ आ रहा है यूसेज राइट्स। यूसेज राइट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है दोस्तों क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यही वो ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को, जैसे आप क्लिक करेंगे अब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस से जुड़ी हुई फिल्टर करके जितनी भी यहाँ पर कंप्यूटर की इमेजेस होंगी, ये इमेजेस आ गई हैं दोस्तों। और इन इमेजेस का इस्तेमाल आप जो है बेझिझक कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब होता है कि जिसने भी ये फोटो बनाई है उसने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप उसकी जो है फोटोज को कहीं भी रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो है चौथा ट्रिक। आइए पांचवा ट्रिक के पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। पांचवा ट्रिक है दोस्तों काफी अच्छा है, अगर आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, आपको समय में नहीं आ रहा है गूगल में क्या करना है, अब लॉकडाउन का समय दोबारा आ गया है, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। आपको यहाँ पर एक जो वीडियो गेम आता था पुराना, उसमें एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम था, मैं वो गेम आपको यहाँ गूगल पर ही खेल के दिखाता हूँ। आपको लिखना है प्ले ब्रेकआउट ऑन गूगल। आप जैसे ही लिखेंगे प्ले ब्रेकआउट ऑन गूगल, आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये आपको ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो गेम सबका पसंदीदा होता था, हम सभी लोगों ने बचपन में इसको खेला है, आज भी हम इसको जरूर खेलेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। जैसे ही दोस्तों ये ओपन होगा और ये गेम शुरू हो जाएगा, अभी आपको समय में नहीं आ रहा होगा, अब देखिए दोस्तों ये गेम शुरू हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं, और ये क्योंकि प्रोसेस चल रही है तो ये इस गेम को भी जो है दोस्तों आप यहाँ से खेल सकते हैं। क्योंकि मेरे सिस्टम में जो है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स बैकग्राउंड में रन कर रहे होंगे, इसलिए ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। ये गेम जो है दोस्तों आप लोग इजीली यहाँ से खेल सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो गेम्स में आता था एक टाइम पर, और इस गेम को आज भी मुझे लगता है कि जो भी खेलेगा वो एक स्टेप तो ज़रूर कंप्लीट करेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलते हैं, सिक्स्थ स्टेप, जो कि हमारे मैं कह सकता हूँ जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, या जो भी ये जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा काम आएगी। काम कैसे आएगी दोस्तों, मान लीजिए मुझे जॉब ढूंढनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जॉब इन इंदौर। जैसे कि मैंने लिख दिया जॉब इन इंदौर, अब दोस्तों मुझे स्पेसिफिक करना है कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए जॉब देखनी है, और ये गूगल का सर्वर कहीं से भी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही जॉब लेकर आए और किसी की जॉब लेकर ना आए, जैसे कि एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए। तो मुझे लिखना है यहाँ प्लस, इसके बाद मुझे लिख देना है यहाँ स्टूडेंट्स। मैंने लिख दिया है जॉब इन इंदौर प्लस स्टूडेंट्स। प्लस स्टूडेंट्स का मतलब हो गया है दोस्तों कि अब गूगल जो भी ढूंढ कर यहाँ लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। देखिए दोस्तों ये आ गए हैं रिजल्ट, ये आप देख सकते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम फ्रेशर स्टूडेंट्स जॉब। अब यहाँ पर जितनी भी लिंक आई हैं ये सभी जॉब जो है दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी। देखिए स्टूडेंट्स जॉब इन इंदौर, पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंदौर, पार्ट टाइम जॉब्स इन इंदौर। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए 189 पार्ट टाइम जॉब्स इन इंदौर, ये सारी जॉब्स स्टूडेंट के लिए हैं। आप यहाँ पर दूसरा शहर सेलेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली लिख देते हैं जॉब इन दिल्ली प्लस स्टूडेंट्स, और यहाँ मैंने स्टूडेंट लिख दिया है, आप फ्रेशर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब जो भी यहाँ पे सर्च करके गूगल आपको देगा, देखिए ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट कीवर्ड का यूज जरूर करेगा, और स्टूडेंट के लिए जितनी भी जॉब होंगी वो यहाँ से सर्च की जाएंगी। तो दोस्तों ये था जो है मेरा
छठवा यहाँ का टिप्स और ट्रिक गूगल का, जिसका इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, काफ़ी काम आप लोगों के लिए आएगा। एक आखिरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर से भी नहीं है, जो कंप्यूटर ज़्यादा इवन कंप्यूटर चलाने वाले भी कभी कभी जब मान लीजिए कोई PDF फाइल ढूंढ रहे हो, कोई डॉक की फाइल ढूंढ रहे हो, कोई PPT उन्हें ढूंढना हो और उन्हें जब मिलती नहीं है, तो उनके लिए भी मैं स्पेसिफिक ट्रिक लेकर आया हूँ। आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है रिज्यूम फॉर फ्रेशर। मान लीजिए आप एक रिज्यूम बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं रिज्यूम फॉर फ्रेशर्स। अब आपको यहाँ लिखना है फाइल टाइप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखना है फाइल टाइप, आपको लगाना है एक सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद आपको लिख देना है PDF और कर देना है एंटर। आप एक बार और देख लें, मैं एक बार और दिखा दूंगा करके आप लोगों को। ये वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन काम का वीडियो है। ये देखिए दोस्तों, अब जितनी भी यहाँ पर लिंक्स आएंगी वो उनका फाइल टाइप PDF ही होगा। ये देखिए, हमें पहचानना कैसे है, गूगल ने अपडेट किया है। यहाँ जब PDF लिखा आता है, विच मीन्स कि ये लिंक जो है PDF ओपन करके देने वाली है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी PDF आएगा, ये भी PDF है, ये सारी PDF है। अब आप ओपन करके देख सकते हैं, जो भी लिंक ओपन होगा वो एज अ PDF के फॉर्म में ओपन होगा। और आप इस तरीके से, चाहे रिज्यूम हो, कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन का PPT आपको बनाना हो, जो भी आपको दोस्तों करना हो, उसको आप इजीली यहाँ से जो है कर सकते हैं। और आपको, आपका समय भी बचेगा यहाँ से, और आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए PDF लिख दिया है, आप इसको चेंज करके डॉक भी लिख सकते थे, आप MS Word की फाइल भी अगर निकालना चाहते हैं। ये देखिए रिज्यूम फॉर फ्रेशर्स आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं किसी का एड्रेस निकालना है, किसी कॉलेज का एड्रेस निकालना है, कोई और काम करना है, तो आप यहाँ लिखने के बाद लिखेंगे फाइल टाइप, ये आपको ज़रूर लिखना है, इसके बाद सेमी कॉलन, और जो भी आप फॉर्मेट सर्च करना चाहते हैं, MS Word सर्च करना चाहते हैं, PDF सर्च करना चाहते हैं, PPT सर्च करना चाहते हैं, तो वो दोस्तों आप यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया है, अब यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 7वां ट्रिक, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है और आप लोग फिर से घर पे बोर हो रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए ये टिप्स और ये ट्रिक्स कुछ हद तक बहुत काम आएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।